Assalamualaikum students, welcome to Arif Langa classes. तो जो इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.5 बेटा, जो बेसिकली बेसिक थी ऑन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो आज वाला लेक्चर है इसमें मैं कंप्लीट करने जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, इसके मैं चारों पार्ट्स यहां पर आपको दिखा लूंगा और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 सारी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। क्वेश्चन बता रहा है कि जो आपको ये चार पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इन चार पार्ट्स में को कर लेना क्या है, जो हर एक इंडिविजुअल पार्ट है आपको उसके एक क्वेश्चन के लिए फ्रेम करनी है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस द टू वेरिएबल्स बेटा, और उसके बाद क्या कर लेना है, उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से जो आपके लिए फीजिबल है, जिससे जो आपके लिए जो आपको बहुत आसान लगता हो, whether that is your substitution method, whether that is your elimination method, whether that is your cross multiplication method, जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप यहां पर यूज कर लो और अपनी सॉल्यूशंस को निकाल दो बेटा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट बता रहा है कि अ पार्ट ऑफ द मंथली होस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स द फूड फॉर 20 डेज ही हैज टू पे ₹1000 एज द होस्टल चार्जेस, व्हेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स द फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180 एज द होस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। पहले मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा, बता रहा क्या है क्वेश्चन, बता रहा है कि अ पार्ट ऑफ द मंथली होस्टल चार्जेस, एक होस्टल वाला है वो आपको चार्ज कर रहा है, लेकिन एक महीने को आप कुछ खाओ या ना खाओ आपको फिर भी एक्स देना ही, आप खाओ या ना खाओ फिर भी आपको फिक्स्ड चार्ज को कुछ ना कुछ देना ही देना है। आप खाओ कुछ या आप कुछ भी मत खाओ, आपको उसको वो पैसे देने ही देने जो उसने फिक्स्ड रखा हुआ होगा। ठीक है बेटा, दूसरी बात एंड कॉस्ट, और उसके बाद जितना आप दिन को खाना खा रहे हो, कितने का खा रहे हो वो अलग खाना है, उसके साथ वो अलग, उसके लिए अलग पैसे ले रहा है। तो इस हिसाब से मैं कैसे फ्रेम कर लूँ अपनी स्टेटमेंट, कैसे मैं फ्रेम कर लूँ, मैं ये मानकर चलूँ लेट द फिक्स्ड चार्ज बी इक्वल टू एक्स। मैं मानकर चल रहा हूं कि सपोज मैं मान लूं कि फिक्स्ड चार्ज एक्स से बराबर है, और आप लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जो मुझे दूसरी चीज निकालनी है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे b इक्वल टू बेटा y। इतना तो क्लियर है आपके लिए। अब देखो कैसे इक्वेशंस को फ्रेम कर लेना है। अब है केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमको बता रहा है, क्या बता रहा है केस नंबर 1, कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स द फूड फॉर द 20 डेज, जब वो एक स्टूडेंट एक ए है वो 20 दिन के लिए खाना खा रही है और उसके लिए उसको देना पड़ रहा है ₹1000। इसका मतलब है ये 20, ये इसका मतलब ये चीज है कि जो ये ₹20 दे रही है, जो ये 1000 रुपीज दे रही है 20 दिन के लिए, इसमें सिर्फ एक तो ये 20 दिन आ रहे हैं उसमें, एक तो उसको उसमें जब कॉस्ट ऑफ पर दे तो उसको देना ही देना है, कितना देना है, लेकिन साथ में तो फिक्स्ड चार्ज तो देना ही है आपको, चाहे कुछ खाओ या ना खाओ। तो इसके हिसाब से जो पहली इक्वेशन बनेगी आपकी वो है एक्स प्लस, यानी फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है, और बता रहा है कि स्टूडेंट इट टेक्स अ फूड फॉर 20 डेज, हमने माना है कि कॉस्ट पर डे वाई है, तो यह आ जाएगा 20y इज इक्वल टू कितना, टोटल कितना देना पड़ रहा है स्टूडेंट ए को, उसको देना पड़ रहा है ₹1000। अब है बेटा केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड बता रहा है व्हाई इज स्टूडेंट बी हु टेक्स द फूड फॉर 26 डेज शी हैज टू पे 1180 एज द होस्टल चार्ज। इसका मतलब एक तो उसको भी एक्स देना ही देना है, और 26 डेज के लिए जितना भी वो खाना खा रही है उसके लिए इसको देना पड़ रहा है टोटल 1180 रुपीज बेटा, 1180 इसके लिए इसको देना पड़ रहा है। ये हमने इक्वेशंस दो फ्रेम कर ली, इसको मानकर चलेंगे फर्स्ट, इसको मानकर चलेंगे बेटा सेकंड, और यहां से हम बेटा अपना एक्स और वाई निकालेंगे। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, अब जो मेथड में यहां पर ये बता रहा है पहले ही, एनी मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो, सपोज मैं यहां पर यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग वहां पर लिख लेना एग्जाम में कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, क्योंकि मेरा अप्रोच ही ऐसा है कि 100 में से 100 एग्जाम में आपको आने चाहिए। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, अब हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे यहां पर, यहां पर तो एलिमिनेशन के लिए आपको पहले ही पता है कि किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स तो सेम होने चाहिए, वो तो यहां पर ऑलरेडी x के कोएफिशिएंट्स तो यहां पर सेम है। तो मैं क्या डायरेक्टली करूंगा, मैं करूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड है क्या, एक्स प्लस 26y माइनस एक्स प्लस 20y इज इक्वल टू 1180 माइनस 1000 बेटा। तो यह आएगा एक्स प्लस 26y माइनस एक्स माइनस 20y इज इक्वल टू, यह जाएगा 180 यहां से बेटा। तो x एंड x goes 26y माइनस 20y दैट इज बेसिकली 6y और यह आ जाएगा 180 यहां से। तो y आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 6 और y आ जाएगा आपका बेटा 30। तो y निकला बेटा आपका 30 बेटा। अब करेंगे पुट हम वैल्यू ऑफ द y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है क्या, दैट इज x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। सो x प्लस 20 y है 30 इज इक्वल टू 1000। सो x प्लस 3 टू जा वो तो हो गया, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000। x निकलेगा बराबर 1000 माइनस 600 और आपका x निकलेगा बराबर 400। लास्ट में क्या लिख लोगे, लेकिन साथ में लास्ट में लिख लेना, हेंस द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज 400 एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे इज इक्वल टू रुपीज 30। अगर आपने ये एग्जाम के लास्ट में नहीं लिख लिया, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन के लास्ट में नहीं लिख लिया, तो आपके मार्क्स एग्जामिनर कम कर लेगा बेटा, याद रख लेना, लास्ट में लिख लेना है। इसके बाद देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज 400 एंड द कॉस्ट पर डे इज इक्वल टू रुपीज 30। We can also check the answer, beta. Exercise 3.5, question number four, first part is x is 400, y is 30. Your answer is absolutely correct answer, beta. तो इसी के साथ part number one clear हो गया। शाबाश। आपको उतारना होगा तो आप उतार सकते हो आराम से। शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश। अगर screenshot भी उठाना चाहोगे तो screenshot भी आराम से आप उठा सकते हो। Now let's move to part number two, beta. Let's move to part number two. बहुत ही आसान बना रहा हूं मैं चीजें बेटा आपके लिए, तो अब आपका फर्ज बनता है कि मेहनत पूरी तरीके से कर लेना, सो दैट इन ऑर्डर टू ग्रैब मैक्सिमम नंबर ऑफ द मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस बेटा। साइंस के रिलेटेड भी, फिजिक्स केमिस्ट्री के रिलेटेड भी अभी मैं सोच रहा हूँ, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊं, तो अभी बेसिकली थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, उसके लिए भी मैं आपके लिए बेटा वीडियोस बनाऊंगा जल्दी। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर सेकंड, लेट्स मूव टू पार्ट नंबर सेकंड। बता रहा है पार्ट नंबर सेकंड, क्या बता रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाय 3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1 बाय 4 व्हेन द 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, हम मानकर चलेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी इक्वल टू एक्स। मैं मानकर चल रहा हूं कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो एक्स के बराबर है। बेटा लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी इक्वल टू वाई। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो वाई के बराबर है। देयरफॉर द फ्रैक्शन क्या बन रहा है, देयरफॉर द फ्रैक्शन जो आपके पास है दैट इज बेटा बेसिकली एक्स अपॉन वाई। कितना आसान है बेटा, आप देखेंगे केस नंबर वन क्या बता रहा है क्वेश्चन में। केस नंबर वन बता रहा है बेटा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाय 3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से आप 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हो, यानी x माइनस 1, y अपनी ही जगह, और फ्रैक्शन कितना बन रहा है तब 1/3। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 3 into x minus 1 equal to y, यह आ जाएगा 3x minus 3
इज इक्वल टू वाई, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई बहुत ही आसानी से। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर सेकंड। नाउ बेटा लेट्स मूव टू केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड बता रहा है यहां पर, केस नंबर सेकंड बता रहा है यहां पर, द फ्रैक्शन बिकम्स द 1/4 व्हेन इट इज एडिटेड टू इट्स डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर अपनी जगह, इट इज एडिटेड टू डिनोमिनेटर यानी y + 8। और फ्रैक्शन कितना बन रहा है बेटा, फ्रैक्शन बेटा बन रहा है 1/4 बेटा। ओके जी, फ्रैक्शन बन रहा है 1/4। कितना आसान है, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा यहां से 4x, ये आ जाएगा यहां से y + 8 बेटा। तो ये आ जाएगा 4x - y, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 8। लेट आई एम कंसीडरिंग लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा। इक्वेशन नंबर 1 भी मुझे मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड भी मुझे मिल गई। मेरी मर्जी है मैं कौन सा मेथड यूज कर लूं। मैं इसमें भी करना चाहता हूं एलिमिनेशन मेथड का यूज, और इसके लिए भी मुझे कोफिशिएंट्स किसी भी वेरिएबल के सेम होने चाहिए। यहां पर तो है y का भी -1 है, यहां पर भी y का -1 है। तो मैं क्या कर लूंगा बेटा, मैं करूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड वो क्या है, वो है 4x माइनस वाई। अच्छा यहां से क्या है, यहां से है 3x माइनस वाई। ये आने वाला है यहां से बेटा 8 माइनस 3। कितना आसान, तो यह आ जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल 5। सो 4x माइनस x 3x दैट्स x एंड दिस वाई एंड दिस वाई गोज, यानी x निकला मुझे बेटा 5, निकला मुझे x का वैल्यू। Putting the value of x, इसको हम जगह रखेंगे थोड़ी, putting the value of x in equation number 1, that is, अब मैं यहां पर लिख लूंगा बेटा, ठीक है। Equation number 1 है क्या मेरी, वो थी 3x minus y equal to 3, so 3, x का value तो 5 है, minus y is equal to 3, y को लेंगे वहां, पहले 5, 3 is a 15, 3 को लाऊंगा मैं बेटा यहां, ट्रांसपोज कर लूंगा, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू y, ये कितना आएगा, आएगा 12, सो 12 इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब है, फिर लास्ट में क्या लिख लेना, लास्ट में लिख लेना देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है दैट इज, x कितना निकला, x निकला है 5, y कितना है, y निकला 12, सो 5/12 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक आवर आंसर बेटा, exercise 5 3.5, 5/12, your answer is absolutely correct answer beta। so इसी के साथ part number second भी आपका complete हो गया beta। इस तो कर लो कोशिश जल्दी उतारने की, अगर screenshot भी उठाना चाहते हो तो screenshot भी उठाना चाह उठा सकते हो beta। शाबाश। excellent, शाबाश beta। now beta let's move to part number 3 beta। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान बना रहा हूं आपके लिए चीजें बेटा। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3 नाउ। बहुत ही मैथ्स कितना आसान है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं बस। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3 नाउ। पार्ट नंबर 3 बता रहा है, यश कोई लड़का है, यश स्कोर 40 मार्क्स ऑन टेस्ट। यश है अपने टेस्ट में, वो 40 मार्क्स हासिल कर रहा है। गेटिंग द 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक सही आंसर के लिए इसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। एंड लूजिंग द 1 मार्क्स, देखो बेटा जब इंशाल्लाह रहमान अब आगे जाकर आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में जाओगे, वेदर इट्स योर JKCET एग्जाम, वेदर इट्स योर नीट, वेदर इट्स योर JEE एग्जाम, तो वहां पर भी क्या होता है कि जब आप एक क्वेश्चन अगर गलत कर लोगे वहां पर आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। सिमिलरली यहां पर ये बता रहा है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग द 3 मार्क्स फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड लूजिंग द 1 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। हर एक सही जवाब के लिए, हर एक सही क्वेश्चन के लिए, जो जिस क्वेश्चन का ये सही जवाब दे रहा है उसके लिए 3 मार्क्स आ रहे हैं, और गलत के लिए इसको 1 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर इट्स ईच करेक्ट आंसर, अगर फॉर एग्जांपल अब ये दूसरा केस है, अगर फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स दिए जाते एक क्वेश्चन सही जवाब को एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इट्स इनकरेक्ट आंसर, और अगर 2 मार्क्स हम कट कर लेते अगर इसने गलत जवाब दिया होता, देन
उस हिसाब से यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से यश ने 50 नंबर हासिल किए हुए होते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे बेटा? हम मान कर चलेंगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, जो करेक्ट आंसर सपोज है, लेट दैट बी इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर जो है सपोज मैं वो वाई मान रहा हूं। अब देखो बेटा क्या क्वेश्चन केस नंबर वन क्या बता रहा है, केस नंबर फर्स्ट बता रहा है कि गेटिंग द 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी 3 मार्क्स मिल रहे हर एक करेक्ट आंसर के लिए, दैट इज एक्स, प्लस लूजिंग द 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, लूजिंग है तो यहां पर माइनस आ जाएगा, लूजिंग द 1 मार्क्स, कितना कर रहा है लूज 1 मार्क्स को, 3x माइनस वाई, उस हिसाब से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 40 नंबर, बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा। देखो अब केस नंबर सेकंड क्या बता रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर, अगर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर दिए जा रहे थे, माइनस एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इट्स ईच इनकरेक्ट आंसर -2y, तो उस हिसाब से यश के नंबर 50 आ रहे थे, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, अगर मैं इसको भी करूंगा सपोज एलिमिनेशन मेथड का यूज अगर मैं यहां पर भी कर लूंगा, तो मुझे उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ताकि इस y का भी कोएफिशिएंट यहां पर 2 है, उस y का भी कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 2 3, ये आ जाएगा 2, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x माइनस वाई, और यहां से है 2 × 14, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 बेटा, ठीक है बेटा, तो ये आपको बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड में जो y का कोफिशियंट है और इक्वेशन नंबर सेकंड में जो y का कोफिशियंट है वो सेम है बेटा। अब मैं क्या करूं, अब करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है, थर्ड है क्या 6x माइनस 2y माइनस, सेकेंड है क्या 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 माइनस, ये 80 है, 80 में से काटेंगे 50, तो ये बेटा आ जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल 30, दिस 2y एंड 2y गोज 6x माइनस 4x दैट इज 2x, 2x इज इक्वल 30, सो x आ जाएगा 30/2 और आपका x आ जाएगा बेटा 50। अब क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे द वैल्यू ऑफ द x इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज 3x माइनस y इक्वल टू 40 बेटा, तो ये आने वाला है 3 × 15 माइनस y इज इक्वल टू 40, सो 3 × 15 = 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, अब मैं बेटा यहां पर लिखा लूंगा, तो 40 को यहां ट्रांसपोज कर लेंगे, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू y को यहां लेंगे, तो 5 इज इक्वल टू y, इसका मतलब है जब आप यहां तक पहुंचोगे इसके बाद क्या लिख लेना है, इसके बाद लिख लेना देयरफॉर, अपने हमको निकाल लेना टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, जिसने एक तो जितने इसने सही दिए और जितने से गलत दिए है, ठीक है बेटा, तो वो होगा x प्लस वाई, और वो होगा x है कितना, x निकला है 15, y है 5, सो 15 प्लस वाई, तो टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो थे दैट वर 20 क्वेश्चंस बेटा, एंड लेट्स चेक आवर आंसर बेटा,
3.5 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सीलेंट योर आंसर इज 100% करेक्ट आंसर. सो बेटा ये था हमारा थर्ड पर, आप उधार भी सकते हो, स्क्रीनशॉट उठाना है तो वो भी उठा सकते हो, शाबाश. सो दिस कंप्लीट्स अवर पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3.5. बेटा बहुत ही आसान बना रहा हूँ चीजें आपके लिए, बहुत ही आसान बना रहा हूँ. कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना, कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो गए कोई भी सवाल कर सकते हो बेटा, कोई भी सवाल कर सकते हो. मैथ्स इट ओनली डिमांड्स द प्रैक्टिस एंड इट ओनली डिमांड्स दैट योर कॉन्सेप्ट्स शुड बी सॉल्वड क्रिस्टल एंड क्लियर. यू कैन देन गो फॉर द एनी सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चन बेटा, यू कैन गो फॉर द एनी, कोई भी आपको नहीं रुका सकता है किसी भी क्वेश्चन में न करने से. बस एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, एक बार हर एक मेथड को क्लियर कर लो, कोई भी आप फिर आगे कोई भी सवाल कर सकते हो बेटा. नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4, लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4 जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश. लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4, कितना आसान बना रहा हूं चीजें आपके लिए बेटा. लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4, लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन. पूरा कंसंट्रेट कर लो, पूरा कंसंट्रेट कर लो बेटा, यहाँ की ओर पूरा कंसंट्रेट कर लो. बता रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, कोई हाईवे है वहां पर दो जगह है, एक जगह है ए दूसरी जगह है बी, समझ लेना. वही से क्वेश्चन बता रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है दैट इज 100 किलोमीटर. कितना आसान है बेटा यहाँ तक, आप क्या बता रहा है. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट कर रही है पोजीशन ए से एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और बी भी कर रही है स्टार्ट, कार बी कर रही है इस पोजीशन बी से स्टार्ट और दोनों कर रहे हैं स्टार्ट एट द सेम टाइम. चलो ठीक है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कारें चल रही है, पहले केस से बता रहे हैं दोनों कारें चल रही है एक ही डायरेक्शन में, सपोज ये इस डायरेक्शन में चली गई ये इस डायरेक्शन में चली गई, फिर If the car travels the same direction at different speeds, इसकी भी स्पीड अलग है, इसकी भी स्पीड अलग है, ठीक है वहां तक भी. फिर they meet in 5 hours, किसी point, कोई point यहां पर है जहां पर ये दोनों फिर मिल रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं 5 hours के बाद, ये पहला केस है. उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद क्या बता रहा है, फिर बता रहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में करे चलेंगे यानी टूवर्ड्स ईच अदर, यानी इसका मतलब है ये आ जाएगी यहां और ये आ रहा है यहाँ, सपोज इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, बता रहा है एक घंटे के बाद यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, ठीक, वो भी बहुत ही आसान है. व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, आपको दोनों कार्स की स्पीड्स निकालनी है, बहुत ही आसान सवाल बेटा, देखो कैसे कर लेंगे. हम मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी इक्वल टू एक्स, मैं मानकर चलूंगा सपोज इस कार ए की स्पीड एक्स है. लेट द स्पीड ऑफ कार बी, ये मैं मांग कर चलूंगा बेटा वाई, ठीक है. अगर हम देख ले पहली कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, पहली कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम लिखेंगे यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए, बाई कार ए इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होती है, बराबर डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमको पता है स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ये होगी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बेटा. तो कार ए की स्पीड वो तो एक्स है इनटू टाइम, इसको लग रहा है यहां से लेकर यहां तक पहुंचते में 5 घंटे, पहले केस के हिसाब से तो यह आ जाएगा एक्स, सो एक्स इंटू फाइव दैट इज 5x, ठीक है बेटा. चलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, तो अब आपको ये फॉर्मूला पता है, आगे चलेंगे. डिस्टेंस कवर्ड यहां पर पकड़ मैं लिखूंगा पहले केस नंबर 1, ये है केस नंबर 1, और केस नंबर 1 क्या बता रहा है, जब दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैं लिखूंगा यहां पर व्हेन बोथ कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है बेटा. कितना आसान, तो उस हिसाब से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, डिस्टेंस कवर्ड बाय
कार भी, वो भी है बराबर स्पीड इंटू टाइम, और वो कितनी है उसकी स्पीड है वाई, और टाइम कितना है, टाइम लग रहा है उसको 5 घंटे वहां तक पहुंचने में, तो ये भी आ जाएगा बेटा 5y, कितना आसान है बेटा। तो इस चीज का मतलब ये है, कार ए जब इस पॉइंट से इस तक पहुंच रही है और कार बी जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच रही है, लेकिन दोनों के दरमियान तो डिस्टेंस कितनी है 100, तो इस हिसाब से मैं बता सकता हूं, एक तो वो सारी डिस्टेंस जो पूरी यहां से लेकर यहां तक थी वो कितनी थी 5x, और जो यहां से लेकर यहां तक है वो है 5y। लेकिन जब मैं इस सारी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर लूंगा तो वहीं से तो मुझे आ जाएगी ना ये वाली डिस्टेंस ए से लेकर बी तक, तो 5x minus y is equal 100, let this be the equation number 4। और एक बार समझाऊंगा, ए चल रही है यहां से यहां तक और बी चल रही है यहां से यहां तक, मुझे निकालनी है ये वाली डिस्टेंस क्योंकि ये ए एंड बी है 100 किलोमीटर अपार्ट, तो ए तो वो सारी डिस्टेंस यानी 5x उसको मैं माइनस कर लूंगा ये वाली डिस्टेंस, वहां तो निकलेगी ये वाली डिस्टेंस। सो दिस वाज माय केस नंबर फर्स्ट। अब है केस नंबर सेकंड, यहां से आप एक चीज भी कर सकते हो, यहां से आप 5 को कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 100, और ये बन सकता है x माइनस y इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, तो ये बनेगा x माइनस y इज इक्वल टू 20, लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब है केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड बता रहा है कि व्हेन बोथ द कार्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, व्हेन बोथ कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो उस हिसाब से मुझे बता दो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार है कितनी आएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए वो भी होती है बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बेटा, उस वक्त भी हम यही स्पीड मान रहे हैं कि स्पीड एक्स ही है कार ए की, और टाइम वहीं से बता रहे हैं टाइम तो एक ही घंटा लग रहा है केस नंबर सेकंड में, तो एक्स इंटू वन और वो बेटा है एक्स के भी बराबर। चलिए आई होप कि यहां से आपने पूरा ये उतारा होगा। चलिए बेटा अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी देख लेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इज इक्वल टू वो भी बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड उसकी वाई है, टाइम एक ही घंटा लग रहा है यहां तक पहुंचने में, तो इनटू वन ये भी अल्टीमेटली वाई हुआ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, अभी उससे पहले था वहां से ये चल ए चल रही थी यहां से लेकर यहां तक, बी चल रही थी यहां से, उसके लिए मुझे माइनस करना पड़ा, लेकिन अभी ये चल रही है यहां तक, ये चल रही है यहां तक, तो उसके लिए मैं ऐड कर लूंगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। तो इसमें भी मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लूंगा, क्यों, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट और इस एक्स का कोएफिशिएंट सेम है बेटा, तो इससे मुझे ये चीज पता चल रहा है कि मैं करूंगा सब डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट फ्रॉम, इसको मैं सेकंड मानकर चल रहा हूं, फ्रॉम सेकंड, सेकंड है क्या एक्स प्लस वाई, उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर लूंगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल 100 माइनस 20, शाबाश कितना आसान है बेटा, यह आ जाएगा यहां पर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। आई होप यहां से आपने ये उतारा होगा बेटा। ठीक है, तो ये आएगा यहां पर एक्स एंड एक्स गोज वाई प्लस वाई इज 2y, 2y इज इक्वल टू 80, वाई आ जाएगा 80 अपॉन 2, y आ जाएगा बेटा आपका 40। अब कर लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ द y इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज वो क्या थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो मुझे यहां पर गलती से बेटा इरेज हो गई, दैट वाज 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 है, तो वो हमको निकली थी फिर x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x माइनस वाई कितना है y 40 है इज इक्वल टू 20,
तो x आएगा 20 प्लस 14, तो x आएगा 60. फिर क्या लिखना है लास्ट में? लास्ट में लिखोगे फिर देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर. So this completes the solution of your part number 4. We will check the answer also. Your answer is 100% correct answer. ये ले रहा है यू और वी. चलो इसने वेरिएबल्स यहां पर तो लिए है यू एंड वी. ठीक है बेटा, उस हिसाब से हमको निकला आंसर. एक्स निकला है 60 और वाई निकला 40. वही तो है आंसर. एक्सेलेंट, शाबाश. इसने लिए, हमने जैसे यहाँ पर x और y ले लिया, इसने लिए ले लिया वहाँ पर u and v. So this is the 100% correct answer. तो ये question भी आपका clear होगा. But इस question में ये diagrammatic approach अगर आपको पूरा समझ में आया होगा तो अच्छी बात. अगर इसके बाद भी कोई confusion रहा, कोई doubt रहा, you can directly call me or you can text me also. कोई बात है, मैं वहाँ पर भी आपकी help कर लूँगा. So आप उतार लो या screenshot उठा लो इसका. Let's now move to part number 5 बेटा. शाबाश, excellent. शाबाश बेटा. Let's move to part number five now. बहुत ही आसान है. कितनी आसान चीज आपके लिए बना रहा हूं बेटा, आप खुद ही फील कर लो. कितना आसान बना रहा हूं चीजें आपके लिए. चलिए बेटा. Let's move to part number five. पार्ट नंबर 5 क्या बता रहा है? बता रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स से. कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. अगर इसकी लेंथ रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट्स से एंड ब्रेड इंक्रीज ब्रेड को बढ़ा रहे हैं 3 यूनिट्स से. इफ वी और सेकंड केस, इफ वी नाउ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स. अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट्स से एंड ब्रेड को भी इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट्स से, द एरिया बिकम्स, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स. By the dimensions of the rectangle. बहुत ही आसान है, हलवा बना लूंगा. हलवा देखो कैसे. मैं मानकर चलू लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी इक्वल टू एक्स. इसके बाद लेट ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल बी इक्वल टू वाई. तो इस हिसाब से अगर मैं एरिया देखू, therefore area of rectangle वो कितना बनता है? Area of rectangle जो होता है that is length into breadth और वो है x into y which is equal to x y. अब देखो case number 1 क्या बता रहा है. Case number 1 बता रहा है if its length is reduced by 5 units यानी x minus 5. ठीक, उसके बाद बता रहा है and breadth is increased by 3 units यानी ब्रेड को इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट से. तो एरिया कितना बन रहा है? एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट यानी एक्स वाई माइनस 9. देखो बेटा, बहुत सारों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि सर अगर यहाँ पर प्लस या माइनस क्यों नहीं आपने लगाया. क्योंकि बेटा देखो क्यों, क्योंकि एरिया होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड. तो लेंथ को मैं ऐसे कर रहा हूँ, ब्रेड को मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट इंटू, क्योंकि एरिया होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड, इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ बीच में. तो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. तो इस सॉरी यहाँ पर वाई है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. यह आएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. यह आएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. एक्स वाई एंड एक्स वाई गोज 3x माइनस 5y, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा यहां से माइनस 6 इज इक्वल टू 0. और ये इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6. लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा. ठीक है, आया समझ यहां तक? लेट्स नाउ मूव टू केस नंबर सेकंड. केस नंबर सेकंड क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि If we increase the length by 3 units, यानी length को मैं कर रहा हूँ increase 3 units से, ठीक
ठीक, एंड द ब्रेड इज बाई टू यूनिट, ब्रेड को मैं भी कर रहा हूँ टू यूनिट से इंक्रीज, तो एरिया को क्या हो रहा है, एरिया गेट्स इंक्रीज बाई 67 यूनिट, तो एरिया बन रहा है मेरा 67, सॉरी एरिया बन रहा है एक्स वाई प्लस 67। वहां पर एरिया डिक्रीज हो रहा था पहले कंडीशन में, यहां पर एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई ये है यहां पर हमारा एक्स वाई, ओके बेटा ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, इसको यहां ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस 67 इज इक्वल टू 0, दिस एक्स वाई एंड एक्स वाई गोज, यह आ जाएगा 2x प्लस 3y और यह आ जाएगा माइनस 61 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 61 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, पहली थी 3y, पहली थी 3x माइनस 5y, यहां पर है 2x प्लस 3y, यहां पर मैं यूज कर लूंगा फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि मेरी अपनी मर्जी है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके लिए मैं क्या कर लूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लूंगा मैं, दैट इज वो क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 बेटा, तो 3x आएगा बराबर 6 प्लस 5y और x आएगा बराबर 6 प्लस 5y अपॉन 3 बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात, आगे बढ़ेंगे यहां से। अब क्या हम कर लेंगे, यहां से हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, putting value of x in equation number second, वो है क्या equation number second, that is 2x plus 3y is equal to 61, तो 2x है क्या 6 plus 5y divided by 3 plus 3y is equal to 61, 12 plus 10y प्लस 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61, एलसीएम निकलेगा 3 3 1 1 12 प्लस 10y प्लस 1 3 9y इज इक्वल टू 61, 12 प्लस 19y इज इक्वल टू 183, सो 19y आ जाएगा 183 माइनस 12 एंड 19y आ जाएगा 3 से, तो 18 में से 7 171, आगे बढ़ेंगे यहां से बेटा, आगे बढ़ेंगे यहां से बेटा, जो ये इक्वेशन है ये तो हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है, चलिए y आ जाएगा 171 अपॉन 90, तो ये कितना आ जाएगा 19 के टेबल में एक आवर पड़ेगा 19 इंटू 5 अगर कर लेंगे हम 19 into 9 9 9 18 1 16 17, एक्सीलेंट, सो 19 1 19 9 तो y आ रहा है 9, y आ रहा है 9 बेटा, एक्सेलेंट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, वो है क्या थर्ड, दैट इज x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 5, y है 9 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 बाई 3, x is 45 51 upon 3 और वो आ जाएगा 45
3 1 3 1 3 एंड x आपका 17 आ जाएगा बेटा. सो लेट्स चेक आवर आंसर फर्स्ट. लेट्स चेक आवर आंसर. हम अपना आंसर को चेक कर लेंगे. एक्सलेंट बेटा, एक्सलेंट, शाबाश. हम मानकर चले थे लेंथ x के बराबर है तो वो आपकी 17 है. देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर लास्ट में लिख लेना ऐसे, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 17 यूनिट्स. और फिर लिख लेना ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 यूनिट्स. सो इसी के साथ हमारे पांचों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा कंप्लीट हो गए बेटा. इसके बाद भी कहीं पर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा तो वो मुझे आप कमेंट या कॉल करके भी बता सकते हो बेटा. सो इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विद इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. वो अलग मेथड है वहाँ पर, ठीक है बेटा. तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो से आपको फायदा पहुँच रहा है देन प्लीज़ 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 डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेज. एंड जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर कर लो बेटा. मिलते हैं नए लेक्चर में इंशाल्लाह रहमान. अस्सलाम वालेकुम.